साथियों, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है, सरकार स्थिर होती है, तब उद्योग के लिए माहौल बनता है, निवेश के लिए माहौल बनता है। यहां की भाजपा सरकार ने भरपूर कोशिश की है कि झारखंड में निवेश को आकर्षित किया जाए, ताकि यहां के युवाओं को यहीं पर रोजगार मिल सके। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि स्टील के साथ साथ यहां मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े दूसरे उद्योग भी लगे, विशेष तौर पर कपड़ा उद्योग, रेशम उद्योग के लिए झारखंड में अनेक संभावनाएं हैं, जिसको आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर के काम कर रही है। भाइयों और बहनों, झारखंड हमेशा से तसर कच्चे रेशम के मामले में अग्रणी रहा है, लेकिन पहले की सरकारों ने इसके विकास के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए। सी भूम का ये इलाका हो, सराय केला हो, सिमडेगा हो, झारखंड के करीब करीब हर हिस्से में रेशम की पैदावार होती है। हमारे आदिवासी परिवार, जनजातीय परिवार बड़ी संख्या में इसके उत्पादन से जुड़े हैं। भाजपा की सरकार झारखंड को रेशम का, कपड़े का एक हब बनाने के विजन के साथ आगे बढ़ रही है। इसी सोच के साथ बीते 5 वर्षों में करोड़ों रुपयों की मदद झारखंड को दी गई है। इसी का परिणाम है कि पहले जहां हर वर्ष 2000 मैट्रिक टन से भी कम रेशम का उत्पादन होता था, अब करीब करीब 2700 मैट्रिक टन उत्पादन हो रहा है। इसी का परिणाम है कि बीते 5 वर्ष में सिर्फ रेशम उद्योग में ही 2.25 लाख नए रोजगार मिले हैं। आने वाले 5 वर्षों में भाजपा की सरकार रेशम उद्योग को, कपड़ा उद्योग को यहां और सशक्त बनाने वाली है। साथियों, भारत आज अगर दुनिया का दूसरा बड़ा स्टील उत्पादक बना है, तो इसमें जमशेदपुर का, झारखंड का, यहां के आप सभी साथियों का बहुत बड़ा योगदान है। बीते 5 वर्ष में हमने भारत के स्टील को सड़क से लेकर सैटेलाइट तक हर काम में प्राथमिकता दी है। आज भारत में ही बना स्टील मेक इन इंडिया के हमारे विजन को सशक्त कर रहा है। भारत में ही बने स्टील से आज रेलवे ट्रैक बन रहे हैं, मेट्रो ट्रैक बन रहे हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेनें बन रही हैं। आने वाले समय में स्टील की मांग और उत्पादन तेज होने वाला है, जिससे जमशेदपुर में, झारखंड में स्टील उद्योग के विस्तारीकरण के पूरी संभावना है।